तस्वीरां तो हरना अमृतसर कोर्ट कंपलैक्स दियां सांझियां कर रहे हैं जिथे कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मुख आरोपी लारेंस बिश्नोई नूं जिहड़ा अदालत में पेश करन तों बाद इस वक्त बाहर लिया जा रहा है। जिवें कि तस्वीरों में तुसीं देख रहे हो कि गड्डियां का काफिला जिहड़ा वह बाहर नूं आ रहा और लारेंस बिश्नोई नूं अज 8 दिन का रिमांड खत्म होने तों बाद अमृतसर पुलिस वल्लों दोबारा अदालत दे विच रिमांड हासिल करने लई पेश किया गया सी। हुण बाद विच पता चलेगा कि आखिर अमृतसर पुलिस नूं उसका किन्ने दिन का जिहड़ा रिमांड दिता गया। इस तों अलावा होर भी जिलों की जिहड़ी पुलिस फोर्स आ वह इत्थे मौजूद सी और रिमांड हासिल करने लई पहुंची सी। तस्वीर राही तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस कदर इस वक्त लारेंस बिश्नोई नूं कोर्ट दे विच पेश करके बाहर लिया जा रहा और किन्ने दिन का उसका जिहड़ा रिमांड हासिल होया जिहड़ा सीनियर अफसर दे नाल गलबात करन तों उपरंत पता लगेगा कि आखिर किन्ने दिन का रिमांड जिहड़ा लारेंस बिश्नोई का दोबारा अमृतसर पुलिस नूं दिता गया। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मुख आरोपी लारेंस बिश्नोई नूं अमृतसर पुलिस ने एक दिन के ट्रांजिट रिमांड से लैके आता सी। राणा कद्दों वाली हत्या के मामले के लारेंस बिश्नोई नूं लैके अदालत में पेश किया गया। उस तों बाद जिहड़ा उसका 8 दिन का रिमांड जिहड़ा अमृतसर पुलिस नूं दिता गया तो हुण दोबारा एक बार फिर अज रिमांड खत्म होने तो बाद लारेंस बिश्नोई नूं अदालत दे विच पेश किया गया जिथे कि हुण वेखना होगा कि आखिर किन्ने दिन रिमांड अमृतसर और किस जिले की पुलिस नूं जेकर अमृतसर पुलिस नूं रिमांड नहीं मिला तो किस जिले की पुलिस नूं जिहड़ा उसका रिमांड दिता गया। तस्वीरां तुहाडे नाल कोर्ट कंपलैक्स दीआं सांझीआं कर रहे हैं जिथे वड्डे सुरक्षा घेरे दे विचकार लारेंस बिश्नोई नूं इस वक्त बाहर लिया जा रहा। चाहते हैं कि किस कदर राणा कद्दों वालिया का दिन दिहाड़े केड़ी हस्पताल के बाहर जब कि अपनी किसी महिला रिश्तेदार का पता लैन आया तो उसका गोलियां मार के कतल कर दिया गया। कतल कर उपरंत उसकी कतल की जिम्मेवारी जी सोशल मीडिया से पोस्ट पा के जग्गू भगवानपुरिया वालों ली गई से तो उदों ही जिहड़ा लारेंस बिश्नोई का भी इस कतलकांड ना जिहड़ा सामने आया सी। इसे नूं लै के ही उसनू जिहड़ा अमृतसर अदालत दे विच पेश कीता गया 8 दिन का रिमांड हासिल होया। सुरक्षा कारणां दे चलदे उसनू खरड़ शिफ्ट किया गया, खरड़ स्टाफ जिहड़ा उसनू शिफ्ट किया गया सी। उस तों बाद बीती रात उसनू दोबारा अमृतसर लिया गया क्योंकि 8 दिन का रिमांड जिहड़ा खत्म हो चुका सी, अदालत दे विच पेश करना लाजमी सी ते उसनू दोबारा अज एक बार जिहड़ा स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल दे दफ्तर विच ही उसका मैडिकल करवाया जाता है। मैडिकल कराउण तों उपरंत उसनू अदालत दे विच पेश किया जाता है। पेश करन तों उपरंत हुणे निकल के सामने आवेगा कि आखिर दोबारा अमृतसर पुलिस नूं उसका रिमांड हासिल होया है या नहीं क्योंकि होर भी मौके पर लारेंस बिश्नोई का रिमांड हासिल कर ली मौके पर पहुंची हुई सी। अंदर लंबी बहस चली जिथे पिछली बार यह सारी 15 तो 20 मिनट के निपट गई, इस बार 1.5 घंटे के करीब अंदर जिहड़ा समा लगा, लंबी बहस चली। उस तो बाद तुसीं देख रहे हो कि पुलिस के जिहड़े आला अधिकारी ने निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ ही समय तो बाद बाहर आएगा साफ होगा कि आखिर किन्ने दिन की रिमांड जिहड़ी है अमृतसर पुलिस नूं लारेंस बिश्नोई की दी गई है। क्योंकि वेख्या जाए तो होर भी जिहड़े जिले की पहुंची हुई बिश्नोई का रिमांड हासिल कर ली, हुण ये तां सीनियर अधिकारियों के नाल गल करन तों उपरंत ही पता लगेगा कि आखिर अमृतसर पुलिस नूं उसका दोबारा रिमांड दिता गया है या नहीं। फिलहाल जो सूत्रों तो निकल के सामने आ रहा कि 5 दिन का रिमांड जिहड़ा वह दिता गया, 5 दिन का रिमांड दोबारा एक बार फिर लारेंस बिश्नोई का अमृतसर पुलिस नूं दिता गया। तस्वीरां तुहाडे साझियां कर रहे हैं कि किस कदर इस वक्त लारेंस बिश्नोई नूं जिहड़ी आ बुलेट प्रूफ गड्डियां लैके बाहर आ चुकिया ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि लारेंस बिश्नोई नूं लैके ते किस तरह के नाल बाहर लिया जा रहा, VVIP सुरक्षा के अधीन लारेंस बिश्नोई नूं दोबारा जिहड़ा बाहर लिया जा रहा। 5 दिन का रिमांड जिहड़ा वह मिल चुकिया जो सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है, पर सीनियर अधिकारियों के नाल गलबात करके ये पुख्ता जानकारी लवेंगे कि आखिर किन्नी देर का रिमांड जिहड़ा लारेंस बिश्नोई का वो दिता गया। तस्वीरां साझियां कर रहे हैं कि किस कदर बुलेट प्रूफ गड्डिया के काफले के राही इस वक्त जिहड़ा वो लिया गया और तस्वीर जिहड़ियां तुहाडे नाल कर रहे हैं साझियां इस वक्त अमृतसर कोर्ट कंपलैक्स दीआं कि किस कदर जिहड़ा है इस वक्त लिया गया। तुसीं वेख रहे हो तस्वीरां दे विच जिहड़े पुलिस दे सीनियर अधिकारी उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे कि आखिर किन्ने दिन दा रिमांड जिहड़ा दित्ता। गड्डियां लंघ लो, गड्डियां लंघ लो, साइड ते आ जाओ, मड़ो इक साइड ते आ जाओ, जरा गड्डियां लंघ लैंदे यार, एक साइड ते आ जाओ। सो डीसर के लिए ना बात ब्रदर, एक साइड ते आ जाओ, मड़ो इन्ना रिमांड मिलया। सीपी पंडाल बाहर आए ने अमृतसर लॉ एंड ऑर्डर दे इंचार्ज ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं कि किन्नी देर दा रिमांड जिहड़ा वो दिता गया। यार आ देखो छोड़ो भी नहीं लड़ना, लड़ना नहीं, लड़ना आराम ना, सारे नु मैं दस देना आराम ना। सानू अज 5 दिन का रिमांड मिलिया, असीं दोबारा इन्हां नू
इस 11 तरीक नूं पेश करांगे और उस दिन वास्ते सानू इसे केस दे विच जिहड़ा असी रिमांड लिया अमृतसर कमिश्नरेट ने। सर किन्ने जिले की पुलिस पहुंची सी, ये भी कहा जा रहा है कि मुक्तसर की मलोट की पुलिस भी पहुंची सी, हुशियारपुर पुलिस भी पहुंची सी वख-वख केसां दे विच, बाकी डिस्ट्रिक्ट दे विच भी जिहड़े जिहड़े केस दे विच नामजद आ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਕੰਧੋਵਾਲੀਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਣਾ ਕੰਧੋਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਲੀ ਕੋਲ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਉਗਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਡੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਦਵਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।